हाय एवरीवन, दिस इज सतीन सिंह फ्रॉम टीम रीफॉर्मुलेट फिटनेस। आज हम बात करेंगे जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वह जब जिम ज्वाइन करते हैं तो किस वर्कआउट से शुरुआत करें, क्या हम पहले वेट ट्रेनिंग करें, कार्डियो करें, कहां से हम शुरुआत करें। अब हर व्यक्ति, हर इंसान अपने शरीर में एक अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे इफेक्ट चाहता है, और अच्छे रिजल्ट और अच्छे इफेक्ट तभी आते हैं जब आप अच्छा वर्कआउट करेंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ रिसर्च और एक्सपीरियंस, लोगों के फैक्ट और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अब देखिए होता क्या है, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में एंट्री करते हैं, तो उस टाइम आपका शरीर रेस्ट मोड पे होता है, आपकी हार्ट रेट भी कम होती है। जब वह दोनों कम होते हैं तो उस टाइम आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए वो वार्म अप होना चाहिए। 5 to 10 मिनट आप वार्म अप करें, वार्म अप से शुरुआत करें। वार्म अप एक बेहतरीन तरीका है आपके शरीर को एक्सरसाइज के लिए तैयार करने का। तो आप वार्म अप से शुरुआत करें, वार्म अप से आपके शरीर को बूस्ट अच्छा मिलता है, साथ ही आपके जॉइंट्स पे कम स्ट्रेस पड़ता है। और वार्म अप क्यों जरूरी है, देखिए जब आप वार्म अप करते हैं तो उस टाइम वार्म अप करने से आपके शरीर का जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, साथ ही आपके शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और साथ ही आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। जब आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो आपके शरीर तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो आप वार्म अप से शुरुआत करें, उसके बाद आप फिर स्ट्रेचिंग करें। जब आपका वार्म अप डन हो जाए फिर आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर आप वेट ट्रेनिंग पे जाएं। वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी को ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जब आपकी बॉडी ज़्यादा ताकत और ज़्यादा एफर्ट लगे तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो उस टाइम आपकी शरीर में एनर्जी का जो पहला जरिया होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट यूज़ करता है, हर जगह से यूज़ कर लेता है, आपके लीवर से, आपके मसल्स से, हर जगह से आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लेता है। जब आपके शरीर को अच्छे से एनर्जी मिलेगी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने वर्कआउट पर। उसके बाद जब आपका वेट ट्रेनिंग डन हो जाए, जो भी आपका पैटर्न है वो आप वेट ट्रेनिंग पैटर्न कीजिए, जो आपके ट्रेनर ने बता रखा है वो कीजिए, जो आपको पता है वो कीजिए। उसके बाद वेट ट्रेनिंग के बाद आप जाइए कार्डियो पे, उसके बाद आप कार्डियो कीजिए। अब आप कार्डियो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट जरूर करें। उस कार्डियो में क्या होता है, जब आप कार्डियो करते हैं तो आपका बड़ा मसल यूज होने लग जाता है। अब वेट ट्रेनिंग के टाइम पे आपके आपके शरीर ने सारे कार्बोहाइड्रेट यूज कर लिए, तो उसके बाद कार्डियो के टाइम पे आपके शरीर के बाद बस फैट बचता है। तो आपका शरीर उस टाइम फैट को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करता है, सिर्फ एक फैट ही जरिया होता है जो आप एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। फिर आप कार्डियो करें। देखिए जो ये मैंने पैटर्न आपको बताया है, ये तरीका मैंने आपको बताया है, वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, फिर आप कार्डियो करें, यही तरीका अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च बेहतरीन बताया गया, अच्छा बताया गया। आप यह तरीका यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे इफेक्ट भी आएंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।